पलवल स्थित हरिनगर में राजकीय माध्यमिक स्कूल में ऑल इंडिया सोशल क्राइम एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा छात्र छात्राओं को फल वितरित किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश राणा, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रवि कुमार मीणा, हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष भारद्वाज, जिला मीडिया प्रभारी सन्नी सिंह सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में संस्था के पदाधिकारियों ने बच्चों को सरकार की विकास नीति और शिक्षा के प्रति जागरूकता को लेकर के संबोधन दिया। संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि संस्था पिछले काफी समय से सामाजिक कार्यों में तेजी से अपनी भागीदारी दर्ज करवा रही है। पिछले दिनों संस्था द्वारा जरूरतमंद छात्रों को कॉपी और किताबें वितरित की गई थी, जिससे बच्चों को एक बेहतर शिक्षा लेने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी कड़ी में बुधवार को संस्था द्वारा स्कूली बच्चों को फल वितरित किए गए और स्कूली अध्यापकों से जानकारी ली गई। छात्र छात्राओं को पढ़ने में आने वाली सामग्री का कोई अभाव तो नहीं है। संस्था ने स्कूल प्रबंधन को आश्वासन दिया कि स्कूल में पढ़ने वाली शिक्षा सामग्री की पूर्ति करने में स्कूल प्रबंधन की सहायता की जाएगी। आज हमने जो कार्यक्रम किया था, आज से पहले हमारा अभियान चल रहा था, मोदी जी ने जो चला रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके लिए काफी वितरण कर रहे थे स्कूलों में। आज हमने कई स्कूलों में फल वितरण किए हैं और हमारा यह है कि हर स्कूलों में बच्चों को यही कही जा रही है, जिस भी बच्चे को कोई परेशानी होती है पढ़ाई के मामले में, उनकी हमारी NGO ऑल इंडिया एंटी करप्शन की ओर से पूरी मदद की जाएगी। तो इसमें जरूरतमंद बच्चों के लिए आप पूरी तरह से सहयोग करेंगे? हाँ, जो भी जरूरतमंद बच्चे हैं, जैसे जर्सी हैं, किताबें हैं, काफ़ी हैं, मतलब गरीब आदमी की पूरी सेवा करी जाएगी। समाज हित में ये काम कर रहे हैं। हाँ, NGO हमारी पूरी समाज के हित में लगी हुई है। जो आज का हमारा जो ऑल इंडिया सोशल क्राइम एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो टीम है, उसकी तरफ से आज हमने सरकारी स्कूलों में जाके फल वितरित किए। फल वितरित करने का हमारा जो ये जो प्रोग्राम था, ये इसलिए था कि जो जाकर हम सरकारी स्कूलों में बच्चों से मुलाकात कर सकें, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनकी जो असुविधाएँ, उनको जो असुविधाएँ हो रही हैं उनके बारे में जानकारी दे सकें, इसलिए आज हमारा ये कार्यक्रम रहा। तो इस तरह के जो कार्यक्रम किए जाते हैं तो किस तरह की जागरूकता होती है, किस तरह का मैसेज आता है? हमने सरकारी स्कूलों में जाकर जो हमारा मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाई लिखाई में असुविधाएं हो रही हैं, उन असुविधाओं के बारे में आवाज़ उठाना, हम उनकी असुविधाएं के बारे में जो भी उनको रहेंगी उनको सरकार तक आवाज़ पहुँचाएंगे। अगर सरकार की तरफ से उसमें कोई कमी आती है तो उन कमियों का हम संगठन द्वारा और भी टीमों को इकट्ठा करके उन कमियों को दूर करेंगे।